प्रॉपर सीरिया बना तो चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम। भाई साहब अभी गिरने वाला था, मैं गिरने वाला था। तो शॉर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, मैं पता तो वैली पहुंच गया करीब। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेतरहाट। अभी टाइम हो चुका है 6:50 सुबह के। मैं 6 बजे उठ गया था और देख सकते हो सब कुछ पैक हो चुका है, रेडी हो चुका है। और मैं बस फ्रेश हो लिया और ब्रेकफास्ट वगैरह अब नहीं किया, तो मैं अभी अपने रूम में ही हूँ। मैं सोचा कि एक बार रूम आपको दिखा देता हूँ। गाइस रूम स्टार्ट होते ही ख़त्म। ये मेरे पीछे है दरवाज़ा, यहाँ से घुसते हो, ये ही छोटा सा रूम है। ये मुझे मिला था 500 रुपये में, भगवती लॉज बोल के है, सनसाइड व्यू पॉइंट के एकदम बगल में, एकदम अपोजिट साइड में है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हो, सिंगल हो या फिर दोनों भी शेयर कर सकते हो, मगर सिंगल के लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप कपल हो, फैमिली लेके आ रहे हो, तो डेफिनेटली इज़ नॉट फॉर यू। तो आप जा सकते हो, बगल में दूसरा होटल है उसमें डबल बेड मिल जाएगा, और नीचे डबल बेड भी है इस लॉज के अंदर। वो थोड़ा उसका थोड़ा रेट जो है वो थोड़ा हाई है, जैसे 1200 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया, ऐसा कुछ करके हैं। तो दोनों तीन मिला के आने से वो रूम ले सकते हो, क्योंकि आपका जो रेंट है वो शेयर हो जाता है। मैं अकेला हूँ, बजट ट्रैवलर हूँ, इसलिए मुझे बस रात को ठहरना होता है, तो मेरा कोई भी रूम चलेगा। और रात का यहाँ का टेम्परेचर बहुत गिर चुका था गाइस। यहाँ पर रात में लिटरली फ़ैन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप AC वाला रूम तो मत ही लो, ठीक है, अभी के टाइम में। यही तो सारा कुछ रूम टूर, और मैं अभी निकल रहा हूँ। 7 बजे सोचा था निकल जाऊँगा, तो शायद निकल पाऊँगा। अब इसको बाइक में थोड़ा कोल्ड स्टार्ट देना है, बाइक को इसको थोड़ा बाइक में लोड करना है और निकल जाना है यहाँ से। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से। और मैं वेदर अपडेट देख रहा था, पतरातू वैली में थोड़ा बारिश दिखा रहा है, 30-40%, अब कितना होगा पता नहीं। यहाँ से निकलते हैं, तो मैं सोचा था पहले 8 बजे निकलूँगा, तो वेदर अपडेट देख के मैं थोड़ा मन बना लिया कि 7 बजे निकल जाता हूँ, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अगर ऐसे में रुकना होगा तो टाइम भी कवर अप हो जाएगा। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, और ज़्यादा देर नहीं करते, इसको लोड करते हैं और जल्दी से निकलते हैं। चलो मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। बाय बाय, ठीक है, आसि टाटा, पर देखा हो आर, ठीक है, आते हैं। तो मैं निकल गया जो लॉज था वहाँ से। चलो अब पतरातू के लिए निकलते हैं। टाइम हो गया 7:05 और मैप सेट कर दिया, यहाँ पे दिखा रहे हो 166 ही। देखो बंदर ये दिखा रहा है 166 किलोमीटर्स, 166 किलोमीटर, और 11:01, मतलब लगभग 11 बजे पहुँच जाऊँगा। देखते हैं, ये तो पक्का है कि मैं 11 बजे नहीं पहुँचूँगा, क्योंकि मुझे पाइन फॉरेस्ट में और एक बार रुकना है, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करना है, उसके बाद मैं जाऊँगा। कौन से रास्ते में जा रहा हूँ मैं, तो पहुँच गया पाइन फॉरेस्ट। और ये वाला सच में कितना बढ़िया है, कितना ही खूबसूरत है ये जगह। मतलब जितना भी मैं यहाँ से गुजरूँ ना, जितने बार उतने बार मुझे रुकने का मन करता है यहाँ पे। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. तो मैं पहाड़ से उतर चुका हूँ, और ये जो गांव है, एक गांव उतरते ही आपको एक गांव मिलेगा, और इस गांव का नाम है चटकपुर। और मैं कहीं पे सुना था चटकपुर बहुत अच्छा जगह है। धन्यवाद, कृपया पुनः पधारे। ओके, ज़रूर आएंगे।
ज़रूर, क्यों नहीं, इतना जगह, सुंदर जगह है। इसके बाद मॉनसून में आएंगे, मॉनसून के टाइम पे, या फिर विंटर्स में आएंगे, जब सब कुछ खूब बहुत क्लियर से दिखेगा। तो गाइस सुबह के 9 हो चुके हैं, अभी तक मेरा कैमरा ऑफ ही था, मैं नेतरहाट से चला था 7 बजे, और अभी दिखा रहा है 89 किलोमीटर तक बचा हुआ है, मैं 77 मतलब 70 किलोमीटर चला के आ चुका हूँ, और दिखा रहा है 11:03 बजे तक पहुँच जाऊँगा। सामने एक राइट कट आने वाला है, मतलब एक जंक्शन टाइप का। मैं जब रांची से नेतरहाट की तरफ गया था तो वहाँ से मैं लेफ्ट लिया था, तो इसी रास्ते से मैं नेतरहाट गया था। तो अभी मैं नेतरहाट से ये जो राइट टर्न है, राइट टर्न ना लेके मैं सीधा चला जाऊँगा तो चाहूँगा पतरातू वैली। तो इसलिए मैं कैमरा अभी तक ऑफ ही रखा था, क्योंकि एक ही रास्ता दो बार शूट करने में कोई मतलब नहीं बनता है, तो ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाएगा ये सब डाल के। तो अगर आपको कल का वाला व्लॉग देखना है मैं कैसे रांची से नेतरहाट पहुंचा, तो आप कल का वाला व्लॉग ज़रूर देखना, वहां से आपको पता चलेगा। इनफैक्ट आपको वो भी पता चलेगा कि कोलकाता से मैं कैसे रांची तक आया और रांची से नेतरहाट गया था, और नेतरहाट से मैं अभी पतरातू वैली जा रहा हूं, और उसके बाद और एक जगह मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं, वो बाद में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट आपको पता चलेगा। तो व्लॉग देखना ज़रूर, आप पूरा व्लॉग देखना, आपको सब कुछ पता चलेगा, कनेक्शंस पूरा पता चलेगा। तो यहाँ से एक राइट कट आने वाला है थोड़ी देर में, तो उस राइट कट को ना लेके मैं सीधा चला जाऊंगा, उसके बाद मेरे लिए रास्ता नया होगा। अभी तक तो रास्ता सेम ही था, मतलब मुझे पता ही था वहाँ क्या आने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत, पूरा तो एकदम एक बार चलाने में उतना ध्यान नहीं रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे मालूम है कहाँ क्या आने वाला है। मुझे पेट्रोल चाहिए, गाड़ी रिजर्व में आ चुका है, मिल गया पेट्रोल पम्प। चलो यहाँ से इसका भूख थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए तेरा मोबाइल दे चंदो, अच्छा आएगा, ठीक है, थैंक यू। नहीं, मैं कोलकाता से रांची आया था, कोलकाता से रांची आया था, रांची से मैं नेतरहाट गया था। तो पेट्रोल लेना हो गया, अब सीधा जाएंगे वहाँ पे। इन्होंने पावर डाल दिया वैसे यहाँ पे पेट्रोल का दाम थोड़ा कम ही है, 107 रुपये करके पावर है, और वेस्ट बंगाल में तो वैसे ही नॉर्मल पेट्रोल 106 रुपये करके आता है, तो डलवा लिया, 1 रुपये का कितना फ़र्क ही होगा, 10 लीटर का 10 रुपये ज़्यादा होगा, मुश्किल नहीं है। चलो, ये बच्चा जो है ना राइट साइड में, छोटी सी लड़की, बहुत खुश है मुझे देख के बहुत स्माइल कर रही है मुझे देख के, तब से वो बहुत मज़ा लगा उसको देखने में चलो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे जैम है थोड़ा, यहाँ पे टाइम लग जाएगा मुझे शायद। ओके, बीजूपाड़ा सेक्शन ऑफ NH 39 नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। चलो भाई, आज का दिन का एक नंबर टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया, एक नंबर और आखिरी टोल प्लाजा शायद यही होगा, और टोल प्लाजा आने वाला नहीं है, क्योंकि देखो मुझे अभी दिख रहा है अभी कितना 10 बज गया है, और 1 घंटा 2 मिनट टाइम दिखा रहा है पहुंचने में, 40 किलोमीटर का रास्ता है, और 40 किलोमीटर में कोई टोल बूथ नहीं आएगा शायद।
क्या नज़ारा है, ये पहाड़ देखो। ओह सच में बहुत बढ़िया लग रहा है ये रख। अच्छा हम रुक, वाह, और एक बार भाई साहब, और एक बार अरे ये नज़ारा देखो यार, कितना बढ़िया है। अच्छा मुझे दिखा रहे करीब 9 किलोमीटर, तब मैं पत्थर के जो बेंड्स हैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और ये सामने का व्यू देखो, वाह, अरे सामने का नज़ारा देखो यार, क्या लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। सच में ऑसम है, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत है पत्रातु वैली। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. तो गाइस पहुंच गए हैं पत्रातु वैली, जहाँ से पूरा वैली दिखता है, ये व्यू पॉइंट है एक। तो चलो यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। तो ये वैली जो है कुछ यहाँ से ऐसा दिखता है, ये देखो पूरा वैली आपको दिख रहा है यहाँ से, बहुत बढ़िया लग रहा है ये, बहुत मस्त है यहाँ पे। इसका बहुत ज़रूरत था। तो शॉर्ट्स सबको अच्छे लगे होंगे। मैं पत्रातु वैली पहुंच गया करीब 11:30 बजे। मेरे पास ड्रोन नहीं है, तो क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। ड्रोन, अगर ड्रोन होता ना तो ये बहुत ज़बरदस्त शॉट आता है यहाँ से, ले लेंगे बाद में कोई और ट्रिप में, आपको शायद ड्रोन शॉट दिखा पाऊँगा। अब थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकल के करीब 7-8 किलोमीटर के बाद शायद कोई होटल है, मैं देखा था, तो देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। थोड़ा फ़ोटोशूट करते हैं उसके बाद निकलते हैं ऐसे। तो मैं रिज़ॉर्ट ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, ये है पत्रातु लेक रिज़ॉर्ट, जो कि काफ़ी महंगा है, मेरे तो बजट के बाहर है, 3-3.5 हज़ार तक इसका रूम रेट आता है। तो एक गूगल से देख के एक होटल नहीं होम स्टे है वहाँ पर फ़ोन किया था, उनसे बात हुआ मेरा, तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो आशीष गेस्ट हाउस बोल के एक है, मैप में सेट कर दिए हैं और देखते हैं रूम देखने के बाद ही डिसाइड कर पाऊँगा कि रहना है या नहीं रहना है। वैसे एक ही दिन के लिए हैं तो मुश्किल नहीं होगा उतना, चलो पहले देख लेते हैं। तो मैं पहुंच गया था होटल, और मैं जिस होटल पे आपको दिखाया पहले, होटल आशीष गेस्ट हाउस बोल के, वहाँ पे मैं रूम नहीं लिया क्योंकि वो एकदम ही मतलब वहाँ पे ठहरने लायक नहीं था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ से एक आदमी ने मुझे बताया कि आप थोड़ा आगे चले जाओ, 3 किलोमीटर और आगे, वहाँ आपको होटल शुभम बोल के एक पड़ेगा, और भी 2-4 होटल है, आप देख सकते हो। तो मैं पहले होटल शुभम पे आया था, ये होटल का नाम है होटल शुभम, और मैं जिस रूम में अभी हूँ ये एकदम फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे है, और इसका रूम चार्जेस है 800 रुपीज़, ये नॉन एसी है। मैं आपको एक बार बाहर का टूर दिखा देता हूँ। आप वहाँ से अंदर आकर, ये यहाँ पे आपका रिसेप्शन है, मैं बाद में आपको दिखाऊँगा।
यहाँ से भी है, यहाँ उनके बाद यहाँ पर रेस्टोरेंट है उन लोगों का, ऊपर भी रूम्स हैं और मैं सेकंड ये वाले पे ठहरा हूँ। तो अगर अंदर आते हो तो आपको ऐसा कुछ रूम दिखने को मिलता है। तो ये है रूम, एक बेड है, तो पिलो, वहाँ पे एक बेड टेबल है और एक टेबल है यहाँ पे जहाँ पर मैं सामान दिख रहा हुआ है। यहाँ पे एक डेस्क है जिस पर मैं सामान रख चुका हूँ और एक टीवी है LCD, ये भी रखा हुआ है, शायद ये काम का नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये एक है और यहाँ पे बेसिन है और ये आपका वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी क्लीन है, मैं अभी नहा ही रखा आके, बहुत फ्रेश नहीं लग रहा था। तो ये है रूम टूर, 800 में नॉन AC रूम, बहुत ही अच्छा है। और रूम नीचे है, ये 3 माले का बिल्डिंग है, 3-4 माले का बिल्डिंग है, तो मैंने रूम नीचे लिया तो काफ़ी ठंडा है नीचे, मतलब उतना गर्मी नहीं है यहाँ पे, और फैन भी काफ़ी बढ़िया है ऊपर का। तो ये है सारा रूम और अच्छा रूम मिल गया मुझे। अभी मुझे लंच करना है और यहाँ से निकल जाना है। कुछ व्यू पॉइंट्स मैं देखा हूँ, एक तो लेक रिजॉर्ट है वो मैं बाद में जाऊँगा क्योंकि वहाँ से मुझे 5-6 किलोमीटर तक अंदर आना पड़ता है। जो मेन जो लेक रिजॉर्ट है, जो लेक है पतरातू लेक, वहाँ से आपको एक बाय की तरफ पेट्रोल पंप से एक रास्ता कटता है, वहाँ से आप सीधा होके एकदम सीधा होके 6-7 किलोमीटर तक, तो आपको ये होटल शुभम एकदम रास्ते के ऊपर ही पड़ जाएगा। तो मैं जब जाऊँगा आपको मैं दिखाऊँगा रास्ते के ऊपर कैसा दिखता है होटल। तो मैं रेडी हो चुका हूँ अब निकलने के लिए, कुछ जगह है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाऊँगा। तो मैप में सेट कर दिए हैं, देखते हैं। तो ये वाला था उनका रिसेप्शन एरिया और यहाँ से आप, यहाँ पे भी काम चल रहा है। तो बेसिकली ये है होटल शुभम, ऐसा कुछ नज़ारा है। तो निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा घूम के इसके बाद आते हैं। चलो पहुँच ही गए हैं और 1.5 किलोमीटर का रास्ता बचा है, 2 किलोमीटर नहीं, 900 मीटर का रास्ता बचा है, करीब 1 किलोमीटर। तो मैं घुस चुका हूँ अंदर और यहाँ से पालानी फॉल्स जाने का रास्ता है। वहाँ पे एक लोग थे जो मुझे पार्किंग करने के लिए बोला, देखे ही होंगे, उनको मैं पूछा कि अभी फॉल्स गिर रहा है क्या, वाटर गिर रहा है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं गिर रहा है, मतलब अभी सूखा हुआ है। तो क्या करें, अब आ गए हैं तो देख के ही जाते हैं। और ये बहुत अच्छे सजाया हुआ है, देख सकते हो। बैठने के लिए जगह है या फिर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा नीचे की तरफ। अभी पहले ही इतना सजा हुआ नहीं था, मैं जो वीडियो में देखा था ना, इतना ऐसा कुछ नहीं था, वो बन रहा था। अभी शायद ये बन के रेडी हो चुका है, ये जो देख रहे हो ना, ये पहले बना हुआ नहीं था, तो आपको थोड़ा चल के नीचे जाना पड़ता है। तो चलो एक बार आ चुके हैं तो देख ही जाते हैं। मुझे भी लगा था कि मुझे यहाँ पे आके कुछ ऐसा फॉल वगैरह अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी बरसात का मौसम तो नहीं है, सब सूख चुका है। तो अब अगर यहाँ पे वो फॉल आपको देखना है तो आप बरसात के टाइम पे आओ, तो आपको ज़रूर ये देखेगा। चलो फॉल के सामने पहुँचते हैं, उसके बाद बात करते हैं। प्रॉपर सीढ़ियाँ बना हुआ है तो आपको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइट का भी इंतजाम किया गया है, पहले ये नहीं था, ये शायद नया नया बिठा गया है, पहले जब देखा था ये सब नहीं था यहाँ पे। तो बेसिकली वो जो पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ से पानी गिरता है और बहुत ही ज़ोरों शोर से गिरता है। अब पूरा सूख चुका है, क्या ही कर सकते हैं।
ये नज़ारा बहुत अच्छा है यार, पीछे का जो पत्थर है। चलो दो चार फोटो क्लिक करते हैं यहाँ से और निकल जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो मैं निकल गया पालानी वाटरफॉल देख के। मतलब वाटर तो नहीं था, जगह बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था जगह। मतलब फ़ोटो में आप और कैमरे के वीडियो में आप कितना समझ पाओगे मुझे पता नहीं, मगर रियल आँखों से आप जब देखोगे ना इसको, बहुत सुंदर लग रहा था। ये पत्थर जैसे लग रहा था कोई काट काट के बनाया है इसको, इतना अच्छा लग रहा था। चलो अब नेक्स्ट बागदा वैली व्यू पॉइंट जो है वहाँ पे चलते हैं। ये बागदा व्यू पॉइंट जाने वाला जो रास्ता है ना भाई साहब, ये लद्दाख फेल है, ऐसा वाला ऑफ रोडिंग है यहाँ पे भाई साहब। ये क्या है, इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग। ये एक्चुअली बागदा व्यू पॉइंट है, इसको बोलते हैं बागदा व्यू पॉइंट। अभी यहाँ पहले बाइक लेके आ सकते थे, शायद इसलिए इस जगह को बंद कर दिया है, अभी नहीं आ सकते। वाह, अब ये नज़ारा देखो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक 360 भी हो जाए। यहाँ पे पूरा वैली दूर दूर का बहुत सारा रेंज अच्छे से दिख रहा है। अगर बाइक लेके आ सकता बहुत अच्छा होता, यहाँ तक बाइक पार्क करके उसका फोटो भी खींचा बहुत अच्छा होता। अभी शायद बंद कर दिया, इस वजह से बंद कर दिया क्योंकि सभी लोग बाइक साइकिल लेके आ जाते हैं यहाँ तक, उसके बाद गिर जाने का डर रहता है, शायद हादसा हुआ भी है इसलिए जगह बंद कर दिया है। अब बाइक लेके नहीं आ सकते, खुद तो आ ही सकते हो। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। मुझे जल्दी जल्दी ऐसे निकलना है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब लद्दाख वाला ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। तो कैसे भी करके मैं आ गया, अब जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि मुझे पतरातु लेक जो है वह भी वहाँ पर भी जाना है। और देखते हैं बोट राइड वगैरह एक्टिविटीज़ है, कौन सा एक्टिविटीज़ है, अगर कुछ अच्छा लगे तो करूँगा। वैसे स्पीड बोट राइड मैं एक बार कर चुका हूँ माइथन डैम में, तो यहाँ पे उतना मन नहीं है, दूसरा कुछ होगा जेट स्की वगैरह तो करेंगे, देखते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, यहाँ पर बस दो चार फोटो खिंचवाना है उसके बाद चले जाएँगे यहाँ से। चलो दो चार फोटो क्लिक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये देखो लद्दाख वाला सीन भाई साहब, अभी मैं गिरने वाला था। ओए क्या मस्त एडवेंचर वाला रास्ता है भाई, खाली पत्थर है, रास्ता नहीं है, खाली पत्थर। भाई साहब चलो पार कर लिया। अभी अरे भाई तू क्यों बीच में से गुजरा है, चलो भाई यहाँ तक पार करना है। चलो यहाँ तक हो गया, अभी आगे दो तीन चार और आएंगे भाई साहब। Yeah.
तो ये पहुंच गए पतरातू लेक रिज़ॉर्ट। चलो अंदर चलते हैं और बोट एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो टाइम हो रहा है 6:15 के आसपास, 6:15 ही हो रहा है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अंदर गया था, अंदर जाके फ़ोन से थोड़ा बहुत वीडियो बनाया क्योंकि अंदर कैमरा चार्जेबल है। 295 रुपीज़ चार्ज करते हैं, लगभग 300 रुपया चार्ज करते हैं वो लोग। स्टील कैमरा हो या DSLR कुछ भी हो, फ़ोन के अलावा कोई भी है कैमरा चार्जेबल है। तो यहाँ पे एक सुंदर सा एक मूर्ति है घोड़े का, यूनिकॉर्न का है। तो ये सारा कुछ है अंदर, बहुत सा एक्टिविटीज़, मतलब वैसे पानी में एक्टिविटीज़ हो ही रहा है, जैसे कि जेट्स की हो गया, पैडल बोटिंग हो गया, बहुत सारे कुछ है वैरायटीज़ के कुछ हैं। और बच्चों के लिए बहुत सारा चीज़ है, जैसे स्लीप हो गया, झूला हो गया, ऐसा बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे एम्यूज़मेंट के लिए बहुत सारा कुछ है, पार्क जैसा बना हुआ है अंदर। और लोग बहुत है, आज संडे है तो बहुत सारे लोग, मतलब लोकल्स लोग बहुत आए हुए हैं, बच्चे लेकर, फैमिलीज़ लेकर। तो यहाँ पर जो रेट है अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, उसका मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा या फिर थोड़ा बहुत वीडियो किया हूँ वो मैं डाल दूँगा अंदर, वो आप देख लेना। आपको अगर मन है तो आप आके करना, नहीं तो नहीं करना। तो 7:15 बजने जा रहे हैं और मैं करीब होटल के सामने आ ही गया हूँ और थोड़ी दूरी पे है होटल। रूम का हालत बहुत ख़राब है, पूरा मेस्ट अप कर चुका हूँ मैं। देखो पूरा सामान यहाँ पे भी है, यहाँ पे सामान बिक रहा है, वहाँ पे सामान बिक रहा है। तो ये सारा कुछ अभी मुझे समेटना है और इसमें डाल के रेडी कर लेना है क्योंकि कल सुबह मुझे यहाँ से निकलना है। कल सुबह के लिए सब छोड़ दूँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। कल सुबह यहाँ से निकलना है राजगीर के लिए और यहाँ से राजगीर करीब 200 किलोमीटर के ऊपर है, 5.5 से 6 घंटे करीब लगेगा। तो सुबह सुबह निकल जाना है करीब, सोचा है, प्लान है कि 8 बजे निकल जाऊं। अब देखते हैं 8 बजे निकल पाते हैं कि नहीं। और अगर आपने इतना तक ब्लॉग को देख लिया है तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और अगर आपने ये वाला ब्लॉग, पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, मैं कोलकाता से पतरातू तक कैसे पहुँचा सारा कुछ पिछले ब्लॉग्स में है, तो ज़रूर देखना। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कल मिलते हैं, गुड नाइट।